दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर नवीन शिक्षकों की उच्च माध्यमिक भर्तियों को लेकर एक बार फिर से मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में फंस चुका है। जो कैंडिडेट यह सोच रहे थे कि उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया शिक्षा विभाग और ट्राइबल विभाग में हो चुकी है, अब वह स्कूलों पर अपनी ज्वाइनिंग देंगे जल्द ही इसी महीने, उनकी यह सोचना अब बेकार है क्योंकि उनकी प्रक्रिया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन हो चुकी है। क्या मामला है इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। सरकारी स्कूलों पर 2024 में वर्ग एक शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर पहले ही परीक्षाएं संपन्न कराई गई हैं और इसी महीने काउंसलिंग ट्राइबल और शिक्षा विभाग की संपन्न हुई है। कंप्लीट जानकारी बताएंगे, बड़ी खबर है। वर्ग एक शिक्षक भर्ती यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2024 जिसकी ज्वाइनिंग स्कूलों पर इसी महीने होनी थी, उस पर एक बड़ा पेच फंस चुका है। मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग के अंतर्गत और ट्राइबल विभाग, इन दोनों ही विभागों पर उच्च माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग कम्प्लीट हो चुकी है। अब काउंसलिंग के बाद स्कूलों को 44 ट्राइबल विभाग की स्कूलों पर बचा हुआ था, लेकिन यहाँ पर आप खबर जानकर चौंक जाएंगे। अब कई महीनों बाद यहाँ पर जो नए भर्ती के अभ्यर्थी उनको नियुक्तियाँ दी जाएंगी। ट्राइबल स्कूलों की शिक्षक भर्ती में EWS का आरक्षण का रोड़ा यहाँ पर पड़ चुका है और साथ ही जो शिक्षकों के शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग कराई गई है उसमें यह पेज पहले से फंसा हुआ है। पूरा अपडेट यहाँ पर आपको मिलेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। काउंसलिंग शुरू होने से पहले ही इसका विरोध यहाँ पर होने लगा है। अपडेट है, ट्राइबल विभाग के स्कूलों में वर्ग एक के शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग जल्द शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि इसमें EWS आरक्षण का पेज फंस चुका है। विभाग द्वारा पूर्व की शिक्षक भर्ती में 15 विषयों में EWS आरक्षण छोड़ दिया गया था, जो नई भर्ती में रोड़ा बन सकता है। फिलहाल यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। वही EWS अभ्यर्थी काउंसलिंग रोकने याचिका लगाने की तैयारी में है। कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा वर्ग एक की पात्रता परीक्षा का रिजल्ट फरवरी के महीने में जारी हुआ था, पर अब तक भर्ती शुरू नहीं हुई है। इधर काउंसलिंग शुरू होने से पहले ही विरोध शुरू हो चुका है। नियमानुसार भर्ती में EWS कैंडिडेटों को 10% आरक्षण दिया जाना था, लेकिन यह आरक्षण इनको नहीं दिया गया, जो यहाँ पर खबर आ रही है। वहीं अगर ट्राइबल विभाग में पदों की बात करेंगे तो 1129 पदों पर यह भर्ती संपन्न होना है। जानकारी के अनुसार ट्राइबल विभाग में 1129 पदों पर शिक्षकों की विषयवार भर्ती कर रहे हैं, इसमें बैकलॉग के पद भी शामिल किए गए हैं। सभी आरक्षण को शामिल करने के बाद 16 विषय में पद बांटने पर यह स्थिति है कि 100 में से 90 नंबर लाने वाले भी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। साथ ही यहाँ पर इसलिए विभाग चाहता है कि पद वृद्धि हो, इसकी फाइल मंत्रालय में अटकी हुई है। हालांकि ये केवल खबरें होती हैं कि विभाग ये चाहता है वो चाहता है। अगर विभाग चाहता ही तो पहले ही जब यहाँ पर इसकी प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है पदों में वृद्धि की जा सकती थी। ट्राइबल विभाग की लापरवाही से EWS उम्मीदवारों का भविष्य खतरे में है। इस भर्ती प्रक्रिया को रोकने के लिए हाईकोर्ट जाने के लिए भी यहाँ पर धीरज तिवारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय EWS संघ की तरफ से बताया गया है। साथ ही इस पर आधिकारिक बयान है कि EWS आरक्षण का मुद्दा कोर्ट में विचाराधीन है, कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। शेष नियुक्तियों की कार्यवाही यथावत जारी रहेगी। डॉक्टर ई रमेश कुमार हैं, प्रमुख सचिव हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट के, इनकी तरफ से बयान है। यानी अब भर्तियां फंस चुकी हैं और यह निर्भय करता है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जब इसका निर्णय देगा, फैसला देगा, आदेश आएगा, तभी ये नियुक्तियाँ स्कूलों पर हो पाएंगी, शिक्षा विभाग और ट्राइबल विभाग दोनों ही विभागों पर। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। धन्यवाद।